Hello, my dear class 8 students. Welcome back to your very own Baiju 6th, 7th and 8th channel. I'm Saurabh, your physics mentor. And today we are here for an activity arena session. Kya hota hai ye? Isme hoti hai activities. And this is why we are here. Today, we'll study the sound chapter completely using 3D. Because you know what? Today's session here is very close to my heart. Kyun? Kyunki ye wo cheez hai, which is very special with what we do. This is how the Baiju student learn. सबसे मुश्किल चीज पता क्या होती है एक्सपेरिमेंट्स करना और करवाना राइट बट वी हैव स्मॉल सिमुलेशंस विच आई विल बी शेयरिंग विद यू टुडे हम बहुत सारी चीजें करेंगे अच्छे से समझेंगे क्लास 8th पता है गुड इवनिंग व्हाई डू यू नो क्लास 8th बिकम्स इंपॉर्टेंट साउंड चैप्टर इज हियर क्लास 9th में इट विल कम बट आफ्टर टुडे यू विल नॉट गेट टाइम टू रियली अंडरस्टैंड इट तुम फंस जाओगे न्यूमेरिकल्स में एंड क्लास 11th में यू विल बी स्टक इन इक्वेशंस टुडे Let's utilize this time which we have and understand this chapter, right? So, good evening, everybody. Welcome. Bilkul Josh, extremely high. Very good, yaar. Aaj ka session bata raha hu main. Jo bache sach mein, jinko pasand hai na, Baiju's tarike se padhna. You know, you want to learn the Baiju's way. You will enjoy this session because we have packed session with simulations. Sabse mushkil kya hota hai sound chapter mein? Tell me. Which is the most difficult thing you feel you are not able to understand? अपना अपना वो दो वोट कम ऑन थैंक यू तपस्या हेलो हेलो सिद्धू यस ईयर हेलो ईयर हेलो वेव्स वेरी गुड फोर्स एंड प्रेशर ऑलराइट वेरी गुड वेव्स पे ना वेव्स पे यू गेट स्टक सर लॉन्जिट्यूडनल है कैसे ये वाला ग्राफ आया कैसे कैसे ये आया दैट इज द बेस्ट वन आई हैव सेव्ड फॉर द एंड छोटा सेशन है बहुत ज्यादा नहीं है एंड ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज यू कैन ट्राई एट योर होम आज का हर एक एक्टिविटी ऐसी है तुम खुद घर पर कर सकते हो क्या बोलते हो चालू करें इफ यू आर हियर वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग हियर बिकॉज आई नो यू लव स्टडीइंग दिस वे एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर प्रेस द लाइक बटन अगर तुमको भी लगता है कि यार 3D इज द फ्यूचर ऐसे पढ़ना है हमको है ना AI तो है बट विजुअलाइज करने के लिए 3D इज बेस्ट राइट सो प्रेस द लाइक बटन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर समवन न्यू बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिलीव मी चालू करें यस आई एम गुड यार हाउ आर यू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेरी गुड यार दैट इज ट्रू टुडे आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एकदम हाउ इज द जोश फिजिक्स हार्ड है नहीं यार जानवी फिजिक्स इज नॉट हार्ड आई एम टेलिंग यू फिजिक्स नीड सम टाइम सम रेस्पेक्ट बस और कुछ नहीं है फिजिक्स बहुत आसान है यस नहीं यार डिनर करेंगे बाद में ऑलराइट चलो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन पहला कॉन्सेप्ट How is sound produced? See, we have done revision session. We have done questions, है ना? I have given you one shots. Today we are experiencing this chapter. आज ना feel कर रहे हैं chapter को हम अच्छे से ताकि कल दिन जब हम लोग पर numerical आएंगे, right? Tomorrow class 9th, class 11th, when numericals come in front of us, we don't forget the concept. Concept तो अंदर रहना चाहिए ना? Come on, चालू करते हैं. कैसे? By vibration, है ना? If something vibrates, it produces sound. अब कितने लोगों ने सच बताना एकदम व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ लॉकडाउन और तुमसे पूछा गया था राइट व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू बैंग द थाली कितने लोगों ने बजाई थी घर पे बजाई थी सच बताना यस अभिनील मेंटी की जरूरत नहीं है आज तो मजे करेंगे यार एकदम मी 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 एवरीबॉडी है ना यस नो आ जाओ You let me know if everything is clearly audible to you, है ना? देखो भाई, this is what we call as a simulation. You all know this. I have given this to you multiple times, and today I'll give you a homework. तुम्हारा जो सबसे favorite है ना, I'll give that to you. जो तुम्हारा favorite होगा आज के session में, that simulation I'll give to you. You can play whenever you want, ठीक है? But you have to tell me your favorite in the end. ये है डंडा. If you strike, you are striking a cooker, right? If you strike a cooker. You hear a sound. Wooden board पे टप है ना वुडन बोर्ड का साउंड उतना तेज नहीं आता है मेटल प्लेट एंड दिस वी ऑल हैव डन राइट सो व्हेन थिंग्स वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड राइट अच्छा एक और है ऑल दीज आर योर एनसीईआरटी एक्टिविटीज बाय द वे कितने लोगों को ध्यान है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ना ये वाला एक्टिविटी है हाउ मेनी यू रिमेंबर दिस याद है क्या है ये दैट इज द ज्योमेट्री बॉक्स दीज आर टू पेंसिल्स और वो एक रबर बैंड है यस
देखा है अनुष्का, मेंटी करेंगे बच्चा, आज हम सिमुलेशन कर रहे हैं, आज मेंटी से क्या मतलब, कम ऑन। यस देखा है ना, और कितने लोगों ने ट्राई किया है ये, हाउ मेनी हैव ट्राइड दिस। वी नीड वाइब्रेशन, सो वेर एवर यू सी वाइब्रेशन साउंड इज कमिंग। इवन अ मच्छर, इवन अ मॉस्किटो हु इज फ्लैपिंग हिज विंग्स वेरी क्विकली, हिज और हर, ओके, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है ज्यादातर, तो ठीक है, दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स वेरी क्विकली, दे आर वाइब्रेटिंग, सुनाई आती है, राइट? सो इफ यू प्लग दिस, है ना, यू कैन ट्राई दिस आराम से, यू कैन ट्राई दिस, इट क्रिएट साउंड, वेरी गुड। वाइब्रेशन क्या होता बेटा, वाइब्रेशन इज वेन समथिंग इट वाइब्रेट्स मी, इट मूव्स वेरी क्विकली, बहुत तेजी से अगर कोई चीज टू एंड फ्रो मोशन करेगी उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, है ना, राइट? ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स सपोज टू बी अ पोल क्वेश्चन बट आई एम अलोन इन द स्टूडियो, दे हैव टू मैनेज विद द चैट, ठीक है, चैट से मैनेज करेंगे फटाफट, इजी इजी क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ सितार वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। यस अभिनीन, हाँ वो भी दैट ऑल्सो हैपन्स। प्रतीक, आई विल कम टू दिस बच्चा, इन टुडे सेशन आई विल कम टू दिस, वी हैव एक्टिविटी ऑन दैट। स्ट्रिंग्स, एवरीबॉडी सिंग बी 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 बी, ओके बी, सही बात है। स्ट्रिंग्स, सितार क्या होता है, टा ना ना टिंग 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 टिंग, सी आई डोंट नो, राइट? स्ट्रिंग्स, दैट्स ट्रू। जल तरंग, कितने लोगों ने ये ट्राई किया है, यू फिल्ड वॉटर इन अ ग्लास और उस पर ना हल्के से चम्मच से मारा, टंग, कितने लोगों ने ट्राई किया है, सच बताना, हैव यू ट्राइड दिस, मी नॉट मी, हाँ पूर्वी ट्राइड, इट्स वेरी नाइस, आई एम टेलिंग यू, यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट साइंस एंड स्पेशली फिजिक्स, यू कैन ट्राई इट घर बैठे बैठे, किसके घर पे कांच का ग्लास नहीं है, ऑल ऑफ यू हैव अ ग्लास, राइट? फिल वॉटर एंड चेंज द लेवल ऑफ वॉटर, इस पर कर लेते हैं बढ़िया से एक्टिविटी, देर इज वाइब्रेशन बट नो, विनीता बिल्कुल, इफ देर इज नो मीडियम देर इज वाइब्रेशन बट नो साउंड, इट विल हैपन ऑन मून, ऑल राइट? नेक्स्ट वन, अच्छा आई विल डू दिस एक्टिविटी फॉर यू बट आई वॉन्ट यू टू नोटिस वॉट इज हैपनिंग, ठीक है, बताओ, वॉटर लेवल इज इंक्रीजिंग, हा, इफ यू मूव दिस साइड वॉटर लेवल इज इंक्रीजिंग, आवाज में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस इन साउंड, यू टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस इन साउंड, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दैट ग्लास व्हिच हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉटर, उसका साउंड सुनो, देन नेक्स्ट वन थोड़ा सा और वॉटर, देन यस इट इज श्रिलर, है ना, करेक्ट, इट इज श्रिलर। अब एक चीज बताना, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिलनेस, जब साउंड पतली होती है ना, पतली, है ना, जब साउंड पतली होती है उसको बोलते हैं श्रिल साउंड, एंड ऑल ऑफ यू कैन एक्सपीरियंस कि भाई दिस साउंड एंड दिस साउंड, इन दोनों में डिफरेंस है, दिस साउंड इज डीपर, दिस साउंड इज श्रिलर, ये क्लियर हुआ? यस, व्हाट इज पिच, इफ साउंड इज श्रिल इट मींस इट हैज हाई पिच, पिच ज्यादा होने का मतलब है साउंड पतली है, बारीक साउंड है ना, तीखी साउंड है। यस, वेबसाइट, दिस इज बायजूस वेबसाइट बच्चा, इफ यू लव एनी सिमुलेशन यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड इट टू यू इन द पिंड कमेंट्स, पक्का, अंडरस्टूड? अच्छा एक बात बताओ, तुमको थोड़ी कलाकारी दिखाऊं, कितने लोगों को कलाकारी देखनी है, यस, हाउ मेनी यू वांट टू सी, आई सी बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, नो आई ट्राइड समथिंग, आई मेड अ सॉन्ग ऑन दिस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेस दैट सॉन्ग, यस, देखोगे, लाइक करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, सत्यपति आई विल कम टू दिस बच्चा, एम्पलीट्यूड मींस हाउ हार्ड यू स्ट्राइक, लो एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, इफ अ बॉडी वाइब्रेट दिस मच, लो एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, चलो एवरीबॉडी एकदम ध्यान से, हाँ सॉन्ग गेस करना है, विथ सॉन्ग, विथ सॉन्ग,
Jingle bells, yes. That's what I'm saying. This is a simulation. You can try anything with it. Tum ghar pe aise, if you take 6 glasses, let's say, and you fill water, you can make a jal tarang. Ding, 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 ding. You can do this. Right? Very good. So, hai na easy ekdam. Yes, अच्छा लग रहा है. What is the work of water? हाँ, very good. Purvi, the work of water is, you know what is, can somebody guess what is the reason the pitch is changing? अच्छा चलो पहले क्या बताओ. Sound is produced by vibration. What is vibrating that you are hearing this sound? हाँ जी. Yes. हाँ, glass नहीं टूटना चाहिए. Water level. Water level. It is the air. This is the glass, है ना? Glass है. This is the glass. Yes. ये है तुम्हारा glass, ठीक है? उस glass में this much is water, right? Do you know what is vibrating? Vibrating पता है क्या है? This. ये जो air है ना, ये air vibrate करता है. ऐसे. So the air vibrates. And that's how you are able to hear the sound. Jal tarang mein, what is it that vibrates? Air. Hai na? Ab, when you, let's say, when you fill more water, when you fill more water, aap jab zyada pani fill karte ho, air column kam ho jata hai. The air column reduces, right? This is what is changing the frequency of the sound. This is thoda out of your syllabus, right? But you can understand what is vibrating? Air column. ठीक है? Fine. Yes. Air molecules. बहुत बढ़िया. Correct? चलो. Question करें. You can, I'm telling you, keep noting down the simulations you love. Because those simulations you can get to try at your home. You can save them. You can open whenever you want. This is something which we will try. आपको जो अच्छा लगेगा, वो आपको मिल सकता है. ठीक है? Fine. चलो. Question कर लेते हैं जरा. आजा. Yes. प्रो म्यूजिशियन. अरे नहीं यार, इतना तो नहीं, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा तुम्हारे लिए सीख लिया मैंने. विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव चेंजेस इन जल तरंग एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स. हाँ जी, कम ऑन. आई थिंक वी हैव हर्ड दिस क्वेश्चन. मैंने पूछ ही लिया तुमसे पहले ये. विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव चेंजेस इन जल तरंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स. व्हाट इज इट? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ. कम ऑन. डी डी बी 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 वेवलेंथ. ए ए ए ए बी 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 बी. अरे पढ़ाने के लिए पागल होना पड़ता भाई, क्या कर रहे हो तुम? यस. ए ए स्पीड. हा, डी. यू टोल्ड मी कि व्हेन आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन आई मूव फ्रॉम दैट ग्लास टू दिस ग्लास, साउंड वॉज बिकमिंग व्हाट? सर, श्रिल. साउंड कैसा हो रहा था? श्रिल. विच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद श्रिलनेस? Yes. देखो, वेवलेंथ भी हो सकता है. इसके एक्चुअली पता है, दो आंसर है. इसके दो आंसर है. वन इज फ्रीक्वेंसी एंड वन इज वेवलेंथ, राइट? बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, है ना? पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. हम क्या बोलेंगे पता है? फ्रीक्वेंसी इज अ मोर ऑप्टिमल आंसर, वेवलेंथ भी ठीक है. अगर अगर फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ कम है, राइट? सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है, राइट? बट विद पिच we relate frequency. So ideally, you should answer frequency. ठीक है? Fine? हाँ, very good. Flying जरूर आएगा. Okay. You got correct answer? ठीक है? Everybody, shrillness and pitch, which property will relate to them? Frequency. Loudness, which will relate? Amplitude. ठीक है? Fine. बस, इतना ध्यान रखो. Sound produced by humans. हाथ उठाओ. Everybody, raise your hand. How many of you have confusion? Sir, voice box, वोकल कॉर्ड्स, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन होता है ना सर? वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स कुछ होता है, वोकल कॉर्ड कुछ अलग होता है, उसमें कुछ एपिग्लॉटिस भी होता है. ये सब क्या होता है? बायो भी आ गई इसके अंदर. होता है? नॉट मी. दो चार हाथ आ रहे हैं. वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स, वेरी गुड. चलो, एक और सिमुलेशन. एंड दिस वन बायो में ना सिमुलेशन बिकम्स वेरी स्ट्रांग. भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर झांक के थोड़ी देख सकते हैं. दैट वाज सिमुलेशन बिकम्स वेरी नाइस. लुक एट दिस.
दिस इज वॉट, दिस इज द पोजिशन ऑफ लैरिंग्स. कहां है लैरिंग्स? ये रहा, ये है ना. दिस इज द वॉइस बॉक्स, इट्स अ सेट पूरा है ना. इसको बोलते हैं लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स ऐसा होता है, देखो सामने से कवरिंग है विच यू कैन फील ओवर हियर, राइट, दिस इज व्हाट यू कैन फील ओवर हियर. बट अगर आप इसको अंदर देखोगे, इसके अंदर पता है क्या है, ये देखो दिस इज द वोकल कॉर्ड, ये रहा वोकल कॉर्ड, द सेट ऑफ मसल्स, इनको बोलते हैं ग्लॉटिस. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं तुमको. एपिग्लॉटिस क्या होता है? इट इज द फ्लैप विच चेंजेस, राइट, जो कि प्रिवेंट करता है विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट काम करने में, राइट. बट यू कैन नोटिस वॉइस बॉक्स है ये पूरा, दिस कंप्लीट इज द वॉइस बॉक्स, बट इनसाइड दिस दिस पार्ट इज द वोकल कॉर्ड्स. अब वॉइस प्रोडक्शन कैसे होता है, ध्यान से, अब ध्यान से देखना एवरीबॉडी, फोकस, ये देखो got it, the vocal cords, when air passes through it the vocal cords vibrate. Yes, अरे ग्लास मत गिराना ना, तुम ऐसे इतने भी बच्चे नहीं हो, ग्लास गिरा दोगे, राइट, करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट. इट्स ऑलवेज आई टेल यू, मैं हमेशा तुमको बोलता हूं कि यार वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं. दिस इज आई वॉन्ट टू शो यू दैट वॉइस इज प्रोड्यूस्ड वेन एयर पासिस थ्रू द वोकल कॉर्ड एंड दे वाइब्रेट, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, क्लियर. Whose sound is it? I don't know. It's a funny sound. No? It's not mine, by the way. Hasna nahi baat. Theek hai, everybody. Any confusion? Voice box kya hai? Voice box is the encasing, the whole equipment. Vocal cord kya hai? The thing that vibrates. Voice box doesn't vibrate. What vibrates? Vocal cords vibrate. Theek hai? Isme zero confusion chahiye mereko. I don't want any confusion later in this. Yes? Dobara dekho. Anatomy of larynx. देखो position of larynx is this. You can touch it. Everybody touch your throat. और लड़कियों की भी होता है, ऐसा नहीं है, बस लड़कों का थोड़ा ज्यादा protruding होता है, ठीक है, fine. You can touch it. बहुत बढ़िया. अंदर क्या होता है इसके? In that encasing, here we have these vocal cords. ये रहा. ये दो flap है ना, these two flaps. These are the vocal cords. When air passes through this, ये देखो. Right? When air passes through them, they vibrate. And that's how you hear sound. Ekdam clear? Right? Very good. Bilkul badhiya. Hai na? Clear hua? Ab kisi ko confusion to nahi hoga na bhai? Vocal cord kya hota hai? Voice box kya hota hai? Larynx kya hota hai? Awaaz kaise aati hai? Right? Correct? Very good. Haan, please, ask the doubt. Grade 7th class. I have recorded something for you. राइट, इट्स ओके पूर्वी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन अकर इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स? डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल द बायोलॉजी टर्म्स. वाइब्रेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस, मूवमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्रैकिया, वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. बोन्स आर देयर टू प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर देती हैं बोन्स, राइट. Muscles, they hold the tissues together. Tendons, muscles, ligaments. Everybody, D, hai na? Kuch dikkat hi nahi hai isme to. D, hai na? Yes, D is the correct answer. Vibration of vocal cords. Bhai, epiglottis ka kaam kya hai? Khana tumhare windpipe mein na jaye. That is the work of epiglottis. Tonsil, ye rahe idhar. Trachea, windpipe. Bas clear hai? Vocal cord is the correct answer. Now, next thing. Sound needs a medium for propagation. This is another important thing. You were asking, no, sir, is it possible to have vibration and no sound? Yes. कैसे? Notice, इसको देखो ध्यान से. ये क्या है? This is a vacuum pump, right? This is the vacuum pump. This is a pressure gauge. This is electric bell and this is a bell jar. ठीक है? Fine. Vacuum pump क्या करेगा? Vacuum pump will suck the air from this bell jar, right? So ideally, what should happen? If I turn the switch on. You can hear the bell, obvious. But if sound needs medium, you know what should happen? If I remove the air from this bell jar, the bell will keep doing this, but you will not hear anything, right? Aur ye hona chahiye. Let's try this. If I reduce the air level,
can see the sound is becoming feeble and feeble. When air level is zero, there is no sound coming, but you can see the bell is still moving, right? The bell is still moving. Dekho, bell move kar raha hai, but sound nahi aa rahi hai. There is vibration, but there is no sound. Yes, sound needs a medium. For you to hear any sound, what do you need? Sir, I need a vibrating body. I need a medium. And then I need my kaan, my ear, right? To function properly. Then only you can hear any sound. Yes, very good. Correct. Air level equals the air level in the jar. If you increase the air in the jar, then you can hear the bell. But if you reduce the air, sir, हमको कैसे पता air कम हुआ? When I reduce the air level, na, notice that pressure gauge. उसको देखना. The pressure gauge is reading कितना? ये देखो, zero. The pressure gauge is reading zero. इसका मतलब अंदर air नहीं है, right? So this proves that sound requires a medium, right? Correct. हाँ, very good. No sound of you? हाँ, very good. Why can't some people? बच्चा, it could be any problem in your, I would say, vocal cords. बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इसकी वजह से. Maybe some people cannot talk. But what do you need? You need first a vibrating body to produce sound. Then you need medium to make that sound travel. Sound travel कैसे करेगा अगर medium नहीं होगा, right? Second thing is medium. Third thing is your ear, a properly functioning ear. Then only you can hear any sound. Clear हुआ? Yes. Very good. है ना? एकदम clear हुआ? चलो. Question कर लेते हैं इसपे. Poll. I want to give you poll, but right now nobody is there in the studio. I'm alone. तो इसीलिए chat से काम चलाएंगे हम लोग. Yes. Come on. If a bell were rung on the moon, what would you expect? What would you expect? You will expect a louder sound than on Earth. A sound will travel slower. Sound will be inaudible. Higher pitch sound than on Earth. What do you think? Yes. Ha. And I think the chat got stuck, huh? Is it? Yes. Huh, you're right. The chat got stuck. I also have it open. Yes, I'm also trying. Is it stuck for you also? Wait, let me refresh the chat. Huh? Okay. Oh yes. Now the chat is coming by. Hello. Yeah, I got you. S.E. Mukherjee, no, you will not feel it. Because sound is not coming, the bell is ringing, but it is not getting travelled. So, if you touch the jar, and if there is any contact, you might feel it, but sound is not coming. Yes, hai na? So, aapko, ideally, you will not feel it on the jar also. Yes, everybody is saying, see, sound will be not audible. Kyun? Because moon has no atmosphere. Moon pe atmosphere hi nahi hai, bhai. That is why sound will be inaudible. And I think now, you have got the proof, huh? Main akela hu studio mein. I just did this myself. Ha, very good. Ruchi, because human ear can vibrate in one frequency, 20,000 hertz. Iske upar ki frequency ke sath match nahi kar pata aur niche wale ke sath match nahi kar pata. That's why. Yes, space is a vacuum. Well, ha, correct. Next, you said, humko dikkat hoti hai human ear mein.
एवरीबॉडी, ह्यूमन ईयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? देर आर थ्री पार्ट्स ना आउटर ईयर. क्या काम होता है आउटर ईयर का? देन मिडिल ईयर. व्हाट इज द जॉब? देन इनर ईयर. आई विल से वन थिंग एंड यू हैव टू आंसर. आउटर ईयर जॉब क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ आउटर ईयर? डिफरेंट वॉइस बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. पिन्ना, यस, हाँ, वेरी गुड. वन हर्ट्स क्या है? व्हेन वन वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, द फ्रीक्वेंसी इज वन हर्ट्स. टू लिसन, टू गैदर द साउंड, है ना, उसका काम है टू डायरेक्ट द साउंड टुवर्ड्स द ईयर. पिन्ना का काम पता है क्या है? पिन्ना का काम है साउंड को कैच करके अंदर भेजना. टू कैच द साउंड एंड सेंड इनसाइड. इस पे एक सिमुलेशन देखते हैं. ईयर वाला सिमुलेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस हियर. पोजिशन, दिस इज द ईयर. देखो, दिस इज द पिन्ना. कभी कान इतने इतने अंदर से देखा है कभी? हैव यू एवर सीन द ईयर सो क्लोज? दिस इज द पिन्ना, द ईयर कैनाल, द मिडिल ईयर, राइट? मिडिल ईयर में क्या है? ईयर ड्रम. ओ नो, सॉरी, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, राइट? उसके बाद ये रहा थ्री सेट ऑफ बोन्स. एंड देन वी हैव दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर, इनर ईयर, राइट? एनाटॉमी देख लेते हैं जरा. लेट्स हियर. Sound is going, going, going. You can see the eardrum vibrates, right? The eardrum vibrates. एक बार full देखते हैं, ठीक है? Everybody, watch very closely. हाँ, sound goes, the eardrum vibrates, the bones vibrate, signal goes to cochlea, converts into electrical signal, and it electrical signal travels to the brain. This is the full cycle. पहले sound आएगा, पिन्ना catch करेगा. ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, उसके अंदर की जो बोन्स हैं दे विल ऑल्सो वाइब्रेट एंड एम्पलीफाई द साउंड. इट विल सेंड इट टू द कॉकलिया, कॉकलिया विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट विल गो टू द ब्रेन. और ब्रेन बोलेगा, अच्छा कोई गाना गा रहा है ना, राइट? यस, हाँ, वेरी गुड. साउंड नहीं, देखो, इन अ रूम देर इज नो साउंड, ये नहीं बोलते. इफ देर इज अ रूम आउटसाइड विच यू कैन नॉट हियर एनी साउंड, वी कॉल इट अ साउंड प्रूफ रूम. हाँ, यस, वेरी गुड. ऑडिटरी नर्व, नाइस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड. द पार्ट ऑफ इनर ईयर, दिस इज कॉल्ड एज कॉकलिया. द स्पाइरल स्ट्रक्चर ना, इट्स कॉल्ड एज कॉकलिया. इसके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. एंड देर इज अ फ्लूइड. व्हेन दैट फ्लूइड मूव्स, द हेयर ऑल्सो मूव एंड दे कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट? ठीक है. सो ये हुआ ह्यूमन ईयर की बात, राइट? हाँ, सो ह्यूमन ईयर ईजी है, कुछ नहीं है. एक्सटर्नल ईयर, राइट? Then we have middle ear. External ear में क्या आता है? पिन्ना आता है, ear canal आता है, ear drum आता है. Then you have inner ear, जहाँ पर three set of bones है. उसके बाद क्या है? External ear, पिन्ना, canal, ear drum. Middle ear, वो three set of bones, anvil, incus, trapez. Inner ear, cochlea, right? बस, ठीक है? Fine. एक question कर लें. Very good. Some people don't hear. बोलते हैं ना, if you have some problem in your ear drum, means you will have problem in hearing. तो किसी किसी के बोलते कान में छेद हो जाता है, कभी कभी कान में, यू माइट हैव हियर कन खजूरा, राइट? दैट इज सो डेंजरस बिकॉज इट गोज इन टू योर ईयर एंड इट काइंड ऑफ डैमेजेस योर ईयर ड्रम, इसीलिए उसको बोलते हैं कन खजूरा, राइट? कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ऑन रिसीविंग साउंड वेव्स? इजी क्वेश्चन है. यस, बी 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 ए, एक ए आया. बी 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 बी, ईयर ड्रम यार. No, 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 no. Pinna doesn't vibrate. Pinna का काम क्या है? To catch the sound and send inside. Vibrate कौन करता है? पहले ear drum. कान का पर्दा, ear drum, right? So ear drum is the correct answer. This is the best simulation. पहले मेरे को ये बताओ, अब तक की simulation कैसे लगे तुमको? Everybody, did you find these simulations helpful? Sound का chapter, when you are in class 8th, this is the only opportunity you have to really understand this chapter. इसके बाद पता है क्या होगा? यू विल बी सो स्टक इन न्यूमेरिकल्स, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स, जेई, नीट, कि यू विल नेवर एक्सपीरियंस दिस चैप्टर. और हमेशा क्या होता है ना, हम न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े ढीले होते हैं, वी हैव नेवर अंडरस्टूड द चैप्टर एंड यू ऑलवेज फेस प्रॉब्लम. दैट्स वाई आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन यू टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छे लग रहे हैं? यस. yes. हाँ जितेंद्र, व्हेन दोज हेयर्स मूव ना, उनके बेस पे वी हैव अ मैकेनिज्म विच कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. यस, है ना? अरे तनिष्का, नाइस यार, बट आई होप यू आर गुड नाउ. वेरी गुड. लिंक आई विल गिव यू, यू हैव टू टेल मी विच वन यू लाइक बेस्ट, राइट? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. दिस
is the most difficult thing I have seen my students face. बच्चों को ना ये कभी समझ नहीं आया, सर कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फैक्शन क्या होता है, कभी समझ नहीं आया अच्छे से. यस और नो, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, यू आर टेलिंग मी अ मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस बट द वेव इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्लियर हुआ है आज तक कभी अच्छे से? सच बताना, यस और नो, यस और नो, राइट? है ना, इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग यार, आई एम टेलिंग यू. अच्छे बड़े बड़े बच्चे, क्लास 11th के बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, राइट? यस, वेरी गुड. ऑल राइट, रेडी? इसका सिमुलेशन इज द बेस्ट वन. नोटिस, आई टोल्ड यू साउंड वेव लुक्स लाइक दिस. दिस इज वॉट अ साउंड वेव लुक्स लाइक, बट फॉर स्टडी पर्पजेज वी कन्वर्ट दिस वेव इन टू दिस द ट्रांसवर्स वेव. ओरिजिनली इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. एंड आई टोल्ड यू हाउ डू वी कन्वर्ट. कंप्रेशन जहां पर होता है, that is high pressure region, we get a crest. Wherever there is rarefaction, that is a low pressure region, we get a trough, right? Ab dhyan se dekhna everybody. First of all, I want all of you to focus on one particle. Ek particle choose karo. Maan lo, aap choose karte ho ye wala particle, theek hai? Right? Ab dhyan se dekhna, ye particle yahan ja raha hai, phir 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 yahan ja raha hai, right? Particles of the medium, what are they doing? Sir, they are moving like this. True, yes or no? Agree. Ek particle pakad lo, us pe dhyan do bas. Theek hai, ek particle pakdo. Ye idhar gaya, phir 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 idhar gaya. Yes, hai na? Yes. Chakkar aa raha hai. Yes, agree. Particle kya kar raha hai? Sir, particle is vibrating like this. Hai na? अब लुक एट दिस कंप्लीट थिंग, इस पूरे को एक साथ देखो जरा. क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है उसको देखना, वो कंप्रेशन को. दैट कंप्रेशन इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट? वो कंप्रेशन जो है दैट इज मूविंग फॉरवर्ड. पार्टिकल तो बस ऐसे ऐसे कर रहा था, आगे क्या जा रहा है? व्हाट इज मूविंग फॉरवर्ड? द डिस्टर्बेंस, राइट? अ पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, but what is moving forward? The disturbance. What is that disturbance? Sound, right? Clear हुआ, right? अब एक चीज और ध्यान देना कि भाई wherever you have these, हाँ, ये देखना. Wherever you have compression, you have a high point. Compression, crest. Compression, crest. Wherever you have a compression, you have a high point. Compression, crest. Compression, crest. Wherever you have a rarefaction, we have a trough, the low point. ये देखो, rarefaction है, trough, rarefaction, trough, right? Correct. So that's why we converted the longitudinal wave into a transverse wave, doing what? To study. अच्छा, अगर I increase the amplitude, क्या होगा? What is amplitude? कौन बताएगा? What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from the mean position, right? Yes. हाँ हाँ, अरे भाई जय श्री राम, तुम पढ़ाई करो पहले, आराम से पूजा करेंगे बाद में, जल्दी बताओ. यस विनीता, आल आंसर दिस क्वेश्चन, बट यू टेल मी फर्स्ट दिस, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड. फोर्स ऑफ साउंड? नहीं. हाइट ऑफ साउंड वेव? ओके. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज व्हाट वी कॉल एज एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज करूंगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा? पार्टिकल एक पहले इतना इतना मूव करता था, if you increase the amplitude, wo itna itna move karega, right? The wave used to look like this. If you increase the amplitude, it will look like this, right? Hai na? Dekhen zara, ye dekho. If you increase the amplitude, this increases, right? It means maximum displacement from the mean position increases. Kya hua padhane pe amplitude? Ye, I feel this is the best simulation. Ye cheeze samajh nahi aati hain, ye simulation mereko bahut pasand hai yaar. अच्छा, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द वेव्स कम क्लोज टू ईच अदर, राइट? ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, राइट? इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द वाइब्रेशन इंक्रीज, राइट? करेक्ट है ना? सो दिस सिमुलेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सब आराम से समझ सकते हो, राइट?
For me, this is the best simulation. For you, I don't know. I will ask you. But first of all, I want to ask you this question. Yes. हाँ हाँ विनील कोई बात नहीं बेटा. चलो एक क्वेश्चन बताओ बच्चों. Everybody, फटाफट. The displacement time graph of two notes, 1 and 2, are shown. Which note is louder and which note has a higher pitch? पहले बताना है 1 और 2 में which one has louder, which one is louder, and then which one has higher pitch. Yes, हाँ मुबीन, they are air particles. Yes, you are right. Yeah, it's okay, विनील, it's okay बच्चा, कोई बात नहीं. हाँ बी ए बी ए बी टू हाँ यस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बी वेरी गुड. अच्छा देखो फॉर लाउडनेस व्हाट डू यू चेक एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड सर? दिस इज एम्पलीट्यूड. इसका एम्पलीट्यूड है इतना, इसका एम्पलीट्यूड है इतना. कौन ज्यादा है? ये. इसका मतलब वेव वन इज लाउडर, है ना? लाउडनेस हो गया. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं? सर दिस इज वन वेव, है ना? ये है एक वेव, करेक्ट? राइट, दिस इज वन वेव. सो इतनी देर में वन इज एबल टू गिव ओनली वन वेव, बट टू इज गिविंग यू हाउ मच वेव्स? ये देखो, this is one wave, this is two waves. So one wave, two wave. Second wali note ka do wave hai, right? For the second note we have two waves, whereas for the first note we have only one wave. Second wave are more closer, they have high frequency, they are going to have higher pitch, they are going to be more shrill, hai na? So that's why B becomes the correct answer. Clear hui? Yes. If all of this is clear to you, I have a homework for you. I want to know which simulation you like the best. Which one do you want? Because I will unlock that simulation, I'll send it to you. Because I want you to enjoy this. I want you to have this experience for yourself. Today, I gave you a demo. Kya kya hum kar sakte hain? As a Byju's student, what all you can do? What all different ways you have to study? Now, it's an opportunity for you. How do you want to use it? कौन सा चाहिए तुमको? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. विच वन यू फील वॉज गुड फॉर यू? कौन सा अच्छा लगा? सेशन कैसा लगा? टेल मी एवरीथिंग यार, आई वांट टू लिसन एंड आई विल गिव दैट सिमुलेशन टू यू. राइट एवरीबॉडी, व्हाट इज कॉक्लिया? कुछ नहीं है. इनर ईयर में एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है. राइट, सो व्हेन साउंड वेव्स कम दैट फ्लूइड वाइब्रेट्स एंड दिस कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सो दैट योर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. राइट, है ना? All right, what is frequency? Number of waves passing through a point in 1 second, that is frequency. Everybody, first I gave you one shots. Sound ke one shot maine tumko de rakhe hain, very important. Second, we have done a revision session and question session, again very important. And third is simulation. This is for you to feel the chapter. All right, yes. With this, very good. With this, everybody, take care, keep learning. Whatever doubts you have, whatever simulations you want, tell me in the comment section. I'll unlock and give it to you. Yes, pakka. ठीक है? Sound को अच्छे से पढ़ो. Important chapter है. बहुत काम आएगा आगे. Right? Yes. चलो. Take care, everybody. See you. Bye bye and good night. चलो. Bye.